आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के टाइटल से आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने वाली हूँ। ये काफ़ी सारे रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि मुझे बहुत जनों ने बोले कि अपने चैनल का एक छोटा सा इंट्रो बना लो। एंड काफ़ी सारा सवाल भी थे कि आप कहाँ से हो एंड आप दुबई में क्या करते हो। ऐसे बहुत सारे सवाल है, कोशिश करूँगी जितना मुझे सवाल याद आएगी आप लोगों को उतना बताने के लिए। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके चलो फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रियंका नायक और मैं केंद्रापड़ा उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। और काफ़ी सारे फ्रेंड मुझे मैसेज करते रहते हैं कि मतलब उड़ीसा कहाँ पे है करके। तो क्योंकि दुबई में जब मैं पहली बार आई थी तभी भी लोग बहुत ही कंफ्यूज थे कि उड़ीसा कहाँ पे है करके। तो उड़ीसा जो है वो इंडिया के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है। वहाँ पे भी काफ़ी सारे जगह है घूमने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन प्लेस है वहाँ पे। और बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ भी मैं वहाँ की विजिट प्लेस के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि दुबई में कैसा होता है, हर साल में यहाँ पे 2 महीने तक छुट्टी होती है। तो मेरा जो छुट्टी है वो बहुत ही नज़दीक है और मैं बहुत ही जल्दी उड़ीसा जाने वाली हूँ और वहाँ के विजिट प्लेस के बारे में आप लोगों को बहुत ही जल्दी शेयर करने वाली हूँ। इसलिए मेरे चैनल में हमेशा बने रहना। और मेरे जो फैमिली में 4 ही मेम्बर हैं, तो बहुत ही छोटा फैमिली है। मेरे मम्मी है, मेरे पापा हैं एंड एक मेरी छोटी बहन है और मैं हूँ। और उन लोग सब वहाँ पे ही उड़ीसा में हैं और मैं यहाँ पे दुबई में 2 सालों से हूँ। और यहाँ पे मैं मेकअप आर्टिस्ट विथ स्किन केयर में जॉब करती हूँ। तो मेरा तो ऐसे फील्ड चेंज होती रहती है। इससे पहले मैं पुणे में थी, तो मैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब करती थी। मेरे जो एजुकेशन हुआ है वो बीटेक कंप्लीट हुआ है, पर मुझे वो लाइन पे ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं थी। तो मुझे जो ज़्यादा मेकअप करना, घूमना फिरना, वो सब मुझे बहुत ही पसंद थी। तो मैं फिर मेकअप में कोर्स करने के बाद मैं मेकअप लाइन पे आ गई। और फिर अभी तो मैं फिलहाल तो मैं मेकअप में ही जॉब कर रही हूँ। तो ऐसे ही चल रही है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मुझे इंस्टा एंड टिकटॉक में जानते होंगे। और अभी तो चलो इंडिया में टिकटॉक बंद हो गई है, पर दुबई में टिकटॉक चलती है, पर मैं उसे यूज़ नहीं करती हूँ। अभी तक मेरा आईडी है, टिकटॉक का ऐप है मेरे पास, पर इंडिया में बंद होने के बाद मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा टिकटॉक यूज़ करने के लिए। पर कभी कभी मन होती है खुद की वीडियो जाके वहाँ पर देख लेती हूँ। तो अगर आप लोग अभी तक मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो नहीं किए हो, अगर चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो। तो मैं बहुत ही पहले अपना यूट्यूब में चैनल खोल लेना चाहती थी, पर मुझे नहीं मालूम थी यूट्यूब में कैसे चैनल क्रिएट करनी है। तो मैं बहुत ही यूट्यूब में सर्च की कि कैसे यूट्यूब में चैनल क्रिएट करनी है। सर्च करने के बाद मुझे मालूम चली कि यूट्यूब में चैनल कैसे ओपन करना है। तो फिर मैं अपना चैनल क्रिएट कर ली। तो मेरे चैनल में आपको ज़्यादा ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल ब्लॉग के ऊपर देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं बहुत ही घूमती फिरती रहती हूँ। एंड स्किन केयर के ऊपर भी मैं वीडियो वगैरह अपलोड करती रहूँगी, क्योंकि ये बहुत ही रिक्वेस्टेड है कि आप स्किन केयर के ऊपर कुछ टिप वगैरह शेयर करने के लिए। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो वगैरह अपलोड करूँगी। और क्या क्या कंटेंट वगैरह डालूँगी मैं अभी तक डिसाइड नहीं किए हूँ, क्योंकि मेरा जो छुट्टी होती है वीक में 1 ही दिन छुट्टी होती है और उसी दिन ही मैं अपने चैनल में वीडियो वगैरह अपलोड करती रहती हूँ। एंड अभी तक मेरे चैनल को जैसे सपोर्ट करते आए हो, आगे भी वैसे सपोर्ट करते रहना। एंड काफ़ी सारे सवाल थे। जो पहला सवाल थे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, मैं आप लोगों को पहले ही बता दी। जो दूसरा सवाल है कि आपका कोई पहले YouTube में चैनल थी क्या, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मुझे तो YouTube में चैनल क्रिएट ही नहीं करना आती थी, तो मेरा YouTube में
कोई भी पहले चैनल नहीं थे। जो तीसरा सवाल है कि आप अपनी यूट्यूब चैनल के लिए जो वीडियो वगैरह एडिटिंग करते हो वो कैसे करते हो, तो इसके ऊपर भी मैं बहुत ही जल्दी वीडियो लेके आऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने चैनल के लिए वीडियो वगैरह कैसे एडिटिंग करती हूँ। जो फोर्थ सवाल है कि आप फैशन डिजाइनिंग वगैरह में काम करते हो क्या, तो आप लोगों को पहले ही बता दी कि मैं कहाँ पे काम करती हूँ। और जो फिफ्थ सवाल है कि आप अपनी ड्रेस वगैरह कहाँ से शॉपिंग करते हो, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं ड्रेस वगैरह हमेशा ऑनलाइन से शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे मॉल वगैरह जाने के लिए टाइम ही नहीं मिलती है, क्योंकि एक दिन ही वीक में छुट्टी मिलती है, तो उस दिन बहुत ही टायर्ड होती हूँ, तो मैं बाहर जाके ड्रेस वगैरह नहीं ले पाती हूँ, तो मैं ज़्यादातर जो शॉपिंग वगैरह रहती है तो मैं ऑनलाइन में शॉपिंग करती हूँ। मैं कहाँ से शॉपिंग करती हूँ आपको अभी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, मैं ये साइड से अपना ड्रेस ऑर्डर करती रहती हूँ। आप शायद ये उल्टा दिख रहा होगा कैमरा में, ये साइट का नाम है फोर्डील, आपको लिंक शेयर कर लूँगी। ये मैं 10 दिन पहले ऑर्डर की थी, ये कल ही आके पहुँचा, तो मैं सोची थी आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग मुझे पूछते रहते हो कि कहाँ से मैं ड्रेस ऑर्डर करती हूँ। ये साइट का नाम है फोर्डील, और मैं एक ड्रेस ऑर्डर की थी, ये एक टॉप ऑर्डर की थी, आप देख सकते हो अभी तक सील है, मैं खुली नहीं हूँ, और ये मैं सिर्फ चेक कर रही थी। ये साइड से जो क्वालिटी है इन लोगों का बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, और पहनने के लिए भी बहुत ही स्मूथ फील होती है। और मैं जब से दुबई में आई हूँ, जब से मतलब ऑनलाइन शॉपिंग की हूँ, तब से मैं ये साइड ही यूज़ करती हूँ, बाकी कोई भी ऑनलाइन में मैं शॉपिंग नहीं की हूँ अभी तक, क्योंकि मुझे ये साइड का जो ड्रेस वगैरह है मुझे बहुत पसंद आते हैं, और यहाँ पे ना हर मंथ कुछ ना कुछ नया डिज़ाइन दिखने को मिल जाती है, हर मंथ इसका डिज़ाइन चेंज होती रहती है, और बहुत ही अच्छे प्राइस में मिलती है। मैं आप लोगों को लास्ट में पिक शेयर करूँगी कि मैं यहाँ पे क्या क्या ऑर्डर की थी और उसके प्राइस के साथ आप लोगों को शेयर करूँगी। और पर इसका एक दिक्कत है कि ये जो साइड है इंडिया में नहीं है, आप अगर इंडिया के बाहर हो तो ये साइड से आप ऑर्डर कर सकते हो, अगर आप लोगों को अच्छा ना लगे तो आप फिर बाद में रिटर्न कर भी सकते हो। तो शायद आप लोगों का सारा क्वेश्चन का आंसर मैं दे दी होंगी, अगर और कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय। आप लोग यहाँ पे दिख पा रहे होंगे कितने कम रेट में कितने अच्छे क्वालिटी का मिल जाता है यहाँ पे। ये साइड में आपको सिर्फ लेडीज़ ड्रेस नहीं, यहाँ पे आपको और भी अलग अलग कैटेगरी दिखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जेंट्स के ड्रेस हो गए, शूज़ हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हो गए, और भी बाकी बहुत सारे सामान यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएंगे। अगर आप अपने लाइफ में बहुत बिजी हो, बाहर नहीं जा पा रहे हो, आप आराम से ये साइट से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, और बहुत ही कम रेट में।